आज की क्लास होगी आपकी स्टॉपिंग टाइम, कि जब आपकी गाड़ी चलती है तो वो कितने समय में रुकेगी। जैसे जैसे उसकी स्पीड इंप्रूवमेंट होती रहेगी वैसे वैसे उसका टाइमिंग भी बढ़ता रहेगा। तो स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस डिवाइड बाय थिंकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा इन सेकंड के अंदर। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड लेके। तो यहाँ से पहले निकालेंगे इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था आपका स्पीड मल्टीप्लाई 3/10 प्लस स्पीड बाय 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय थिंकिंग डिस्टेंस। आपका जो फर्स्ट था वो था आपका थिंकिंग डिस्टेंस, तो ये आपका आ जाएगा s मल्टीप्लाई 3/10। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 30 की, तो 30 मल्टीप्लाई 3/10 और 30/10 की पावर 2, 30 मल्टीप्लाई 3/10। 9 और 9 18 और डिवाइड बाय 9 मीन्स 2 सेकेंड। तो हम जो 2 सेकेंड का नियम लेते हैं वो आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के आधार पर लिया जाता है। यदि आप इस स्पीड को इंक्रीमेंट कर देंगे तो वैसे वैसे आपका जो टाइम है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 60 लेते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 36 और यहाँ पे आएगा आपका 18 54/18 और ये आएगा फिर आपका 30 सेकेंड। और यदि आप यहाँ पे 90 लेते हो तो आपका हो जाएगा फिर यहाँ पे 6 सेकेंड पर। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट होती रहेगी वैसे वैसे आपका टाइम उसके अनुसार बढ़ता रहेगा। तो ये था आपका स्टॉपिंग टाइम, कि यदि हम स्टॉपिंग टाइम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस जो है आपका वो प्रतिक्रिया समय होता है, और इसे सामान्यतः अगर पूछा जाए तो हम 1 सेकेंड बोलते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से पहले पहले आपको सोचना होता है और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया करनी होती है जो कि आपकी ब्रेकिंग के लिए काउंट होती है, कि गाड़ी को आपको ब्रेक लगाने होंगे। ब्रेक लगाने के बाद में फिर आपकी गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी उसको कहेंगे आप ब्रेकिंग डिस्टेंस, और दोनों को ऐड करने के बाद में आपका होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। लेकिन ये चीजें डिपेंड करती हैं रोड के ऊपर कि रोड की दशा कैसी है। अगर उस आधार पर देखा जाए तो एक होता है आपका सूखी सड़क, एक होता है आपका गीली सड़क, और एक होती है आपकी बर्फ। यदि सूखी सड़क में आपका टाइम 2 सेकंड काउंट होगा तो गीली सड़क में आपका टाइम 4 सेकंड होगा, और बर्फ के अंदर ये आपका 8 सेकंड होगा। तो सूखी सड़क पे आपका होगा 2 सेकंड, गीली पे आपका होगा 4 सेकंड, और बर्फ पे आपका होगा 8 सेकंड। अगर आप इसको टाइम में काउंट करें गीली से सूखे की क्रिया देखेंगे तो ये आपका होगा 2 गुना, और यदि सूखे से बर्फ में जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 गुना। तो अगर ये पूछा जाए कि सामान्यतः गीली सड़क पर रुकने में कितना समय लगेगा तो वो आपका हो जाएगा 2 गुना समय लेगी, और अगर बर्फ के लिए पूछा जाए तो वो आपका 4 गुना समय लेगी। ये था आपका टाइम, कि कोई भी गाड़ी किसी चाल पर यदि वो रुकेगी तो वह रुकने में कितना समय लेगी।